अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 7.6 थ्योरम, जिसमें है इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लॉन्गर। अगर ट्रायंगल में दो साइड्स अनइक्वल यूज हो रही हैं, तो हमने लिया ये साइड शॉर्ट है और ये ग्रेटर है और यहां से एक ट्रायंगल बना दी, तो हम कंपेयर करवाएंगे इसमें शॉर्ट और ग्रेटर साइड को। तो लॉन्गर साइड के अपोजिट एंगल लॉन्गर हमने प्रूव करना है। इसका मतलब अगर ए बी शॉर्ट ली है, ए सी ग्रेटर ली है, तो ए सी के जो अपोजिट एंगल है वो बी है, वो लॉन्गर प्रूव करना है। किससे? जो ए सी जो है इसके अपोजिट जो एंगल बनेगा सी वाला, ये सॉरी ए बी के जो अपोजिट एंगल बनेगा सी वाला उससे। तो गिवन के अकॉर्डिंग तो साइड्स ग्रेटर दे रखी है ट्रायंगल में, अनइक्वल का मतलब एक शॉर्ट और एक ग्रेटर, साइड्स कंपेयर करवानी और एंगल कंपेयर करवा के हमने दिखाने हैं। गिवन के अकॉर्डिंग एसी ग्रेटर है एबी से, हमने प्रूव करना है इसमें कि एसी के जो अपोजिट एंगल बनेगा, जिसको हम एसी के अपोजिट एंगल को बोल रहे हैं एंगल बी, और ये ग्रेटर आएगा एबी के अपोजिट बनेगा सी से। तो इस चीज को हम प्रूव कैसे करेंगे? इसको प्रूव करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन के लिए हमने क्या करना है कि हमें जैसे अब जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग बी एंगल ग्रेटर है, तो इसका मतलब ग्रेटर है तो इसके पार्ट्स बना के हम सी से कंपेयर करवा सकते हैं। तो हमने एंगल बी का पार्ट इस टाइप से बनाना है, एंगल की कंडीशन की बजाय हम साइड की कंडीशन रखेंगे, यानी कि जो डी पॉइंट हम एसी पे ले रहे हैं उसकी कंडीशन ये है। कंस्ट्रक्शन में लिख दें एक बार, टेक ए पॉइंट डी ऑन एसी सच दैट, इसकी जो कंडीशन हम लगा रहे हैं वो ये है कि एबी और एडी इक्वल बन जाए। एसी पहले से ग्रेटर थी तो एसी का कुछ पार्ट हमने कट कर दिया, जितनी वो एबी से ग्रेटर थी वो नीचे रख लिया हमने, तो इसका मतलब अब एबी और एडी को इक्वल लिखना है। फिर इसका प्रूफ, प्रूफ में इससे पहले जो थ्योरम्स हमने यूज की है उसमें हमने ये चीज प्रूव करके दिखा रखी है कि अगर ट्रायंगल में साइड्स इक्वल है तो एंगल्स इक्वल आएंगे। तो कंस्ट्रक्शन से एबी और एडी साइड्स इक्वल बनाई गई है, ये एबीडी ट्रायंगल में यूज हो जाएंगे। इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी इज इक्वल टू ए डी, अगर ए बी और ए डी इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, तो ए बी के अपोजिट जो बनेगा एंगल डी, जिसको हम लिख देंगे एंगल ए डी और बी, और इसके साथ बी ये ए डी के जो अपोजिट आएगा वो होगा एंगल बी, जिसको ए बी डी, ए बी के और ए डी के दोनों के अपोजिट एंगल्स क्या लिख लिए इक्वल। अब ये एंगल्स इक्वल आ गए अपने पास, सी को और कंपेयर करवाना हमने, तो इसको अब सी को यूज करें तो सी वाला जो एंगल है वो यूज हो रहा है इन ट्रायंगल एबीसीबी और बीडीसीबी, इन ट्रायंगल बीडीसी इसमें यूज करें हम इसको, तो इस ट्रायंगल में ये जो एंगल बनेगा ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होगा। तो जो एंगल हमने ए डी बी ऊपर लिख रखा है ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है इस ट्रायंगल का, तो इसकी वैल्यू इक्वल आएगी अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के। तो इस ट्रायंगल में इस एंगल के अपोजिट टू इंटीरियर कौन से होंगे? इसके सामने ये दोनों आएंगे, तो इन दोनों के सम के इक्वल होगा ये। तो बी वाले को क्या लिखेंगे इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग? डी बी सी, और प्लस एंगल सी लिख सकते हैं क्योंकि सी पे एक ही एंगल यूज हो रहा है, तो इसमें फिगर के अकॉर्डिंग साफ पता चल जाएगा कि जो सी एंगल की बात कर रहे हैं वो ये है, और यहां इस एंगल की बात करते हैं तो क्योंकि बी पॉइंट पे कई एंगल्स डिसाइड हो रहे हैं इसलिए हमने इसको तीन पॉइंट से लिखना जरूरी था। तो ये लिख दिए हमने, इसका रीजन हमने दे दिया कि इन ट्रायंगल या ट्रायंगल ही लिख एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स टू अपोजिट एंगल्स, ऐसा लिख सकते हैं, और इस चीज को ऊपर यूज करें हम, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट दिस वैल्यू
इन इक्वेशन फर्स्ट, इस एंगल की जगह इन दोनों का सम लिख सकते हैं, डी बी सी और एंगल सी का, और ये ए बी डी एंगल के इक्वल दिखा दिया। तो सी में कुछ प्लस होके ए बी डी एंगल के इक्वल बढ़ रहा है, ए बी डी एंगल ये है और बी कंप्लीट ये है, इसका मतलब जो सी एंगल की जो वैल्यू है वो इस एंगल से भी लेस हो रही है, क्योंकि इसके इक्वल बनाने के लिए सी एंगल को इसमें कुछ प्लस करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब सी एंगल की वैल्यू तो इस ऊपर वाले पार्ट से भी लेस है, तो कंप्लीट से तो लेस हो ही जाएगी। तो जो अपने पास डी बी सी है प्लस एंगल सी, वो लेस हो जाएगा इससे एंगल ए बी सी से, और अगर इसमें से ये हटा लें तो लेस वैल्यू में से कुछ हटाएंगे तो फिर भी वो क्या रहेगा, लेस। तो एंगल सी की वैल्यू लेस आ गई ए बी सी और एंगल बी, और इंटर एंगल ए बी सी एंगल सी लेस हो गया एंगल बी से, या इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ग्रेटर एंगल सी। बी को ग्रेटर दिखा रहे हैं, इसका मतलब भी यहां पे ग्रेटर ही दिख रहा है बी, और यहां पे भी ग्रेटर, तो ये चीज प्रूव होगी इसमें।